हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनबीए एकेडमी। मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और हम यहां पर तैयारी करा रहे हैं नवोदय विद्यालय की। टारगेट हमारा यही है कि सन 2023 में जो नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा क्लास सिक्स के लिए, तो हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन दे सकें। हम चैप्टर वन करा रहे हैं जो है नंबर एंड नंबर सिस्टम। चैप्टर वन चल रहा है नंबर एंड नंबर सिस्टम। बेटा हमने कई सारे टॉपिक इस चैप्टर के डिस्कस कर चुके हैं। कल हमने जो हमारी पहली क्लास थी उसमें डिस्कस किया था कि एक तो पूर्ववर्ती और अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या किसे कहते हैं और आरोही क्रम और अवरोही क्रम किसे कहते हैं। इसी पर हमने एक या दो क्वेश्चन भी करे थे। मैं एक आपको छोटे सी क्विक रिवीजन करा देता हूं कि मैंने बताया था आरोही क्रम, कहा था मैंने बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम को मैंने कहा था घटता हुआ क्रम। ठीक है बेटा, मैंने कल बताया था ये चीजें। इस पर एक या दो क्वेश्चन और करते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा रोमन नंबर, मतलब रोमन प्रणाली। जैसे किसी भी संख्या को रोमन संख्या में, रोमन पद्धति में किस तरीके से लिखते हैं। कभी कभी नवोदय विद्यालय में क्वेश्चन ये हर बार आ ही जाता है, कोई भी संख्या दे रखी होती है उसे कहता है कि इसे रोमन पद्धति में लिखिए, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे खूब। पहले मैं इस पर एक या दो क्वेश्चन आपको करा देता हूँ और थोड़े टफ, थोड़े बजट, मतलब डिजिट हम थोड़ी बढ़ाकर लिखते हैं इस बार, इसलिए क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है 7 8 5 7 8 5 9 8 9 7 6 7 5 8 3 7। चलिए ओ आरोही और अवरोही क्रम में लिखो। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया है कि हमारे सामने संख्या दे रखी है को आरोही और अवरोही क्रम से, हमसे कह रहा है कि इसे आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लिखो, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखिए आरोही क्रम में, और अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में लिखिए। ठीक है, करते हैं। हमने क्या बताया था कि जब हम स्कूल में जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, सुबह की प्रार्थना करते हैं, तो बच्चे कैसे खड़े होते हैं, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। इसी तरीके से हम यहाँ पर संख्या खोजेंगे कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है, फिर कौन सी संख्या उससे बड़ी है, फिर कौन सी संख्या उससे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। यही हो जाएगा हमारा आरोही क्रम। देखें, आरोही क्रम, आरोही क्रम में अगर हमें लगाना है, हम ढूंढेंगे सबसे पहले कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखते हैं, आप देखिए एक बार बच्चा, करने की कोशिश करिए, मैं आपको फिर बताता हूं। हम देख लेते हैं, पहले हमें दे रखा है 7985। ठीक है, अगली दे रखी है 7859। इसका मतलब हम इन दोनों में ही देखें तो ये वाली बड़ी है भाई। इसके बाद 8976, इसके बाद 7587। भाई ये तो सबसे बड़ी दिख रही है, अब इसमें हमें देख लें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 7985, 7976, 7587, पता चल गई भाई यहाँ तो बात 7000 है,
7000, तीनों में देख लिया हमने भाई, तीनों में 7000 की सीरीज चल रही है। इसके बाद देखें 900, यहाँ भी 900 और यहाँ 500, इसका मतलब ये छोटा है भाई, इसका मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी हमारी, यही हो गई 7587। इसके बाद बड़ी संख्या कौन सी है इससे देखें, 7985, 7859, इसका मतलब ये हुई सेकंड नंबर पे 7859। क्यों हुई बच्चा, कभी ऐसे मत कर देना कि हमने तो देख ली, और क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि संख्याएं जैसे 985, 859 एक जैसी लग रही है तो बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले इसको लिख दिया फिर इसको लिख दिया, समझ रहे हैं ना, तो इसलिए संख्याओं को सही से पढ़ें, संख्याओं को सही से पढ़ें, उसे देखें, हर एक डिजिट को देखें, हर एक अंक को देखें, उसके बाद देखें कि कौन सी संख्या बड़ी बैठेगी, कौन सी संख्या छोटी बैठेगी, इसी पर ही देखते हैं। फिर इसके बाद कौन सी संख्या बची भाई, ये 7000 की सीरीज है, यहाँ तो 8000 उसमें आ गया, ये तो सबसे बड़ी दिखी रही है हमें। इसके बाद देखें कौन सी होगी, ये होगी, क्यों होगी, क्योंकि 7985। अब देखिए हमने तीनों संख्याओं को इनको लगा तो दिया है, सबसे बड़ी संख्या तो हमारी ये है 7000, ये 8976 लगा दिया हमने आरोही क्रम में, ठीक है। देख लेते हैं 7587, यहाँ देखें 587 है, यहाँ 859 है, यहाँ 985 है, इस तरीके से संख्याओं को देखें, क्योंकि भाई 7000 यहाँ भी है, 7000 7000, उसके बाद सैकड़े वाले अक्षर को देखें, ध्यान दें, इकाई दाई सैकड़ा हजार, हजार पे इकाई दाई सैकड़ा हजार, हजार पे यहाँ भी 7000 था, यहाँ भी देखोगे तो भी 7000 7000 8000, ये तो सबसे बड़ी संख्या हो ही गई। अब हमें इनमें कंफ्यूजन रह रहा था कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, यहाँ सैकड़े पे देखें 5 सैकड़ा था, यहाँ 800, क्योंकि 8 है सैकड़ा, 8 × 100, सैकड़े का मतलब हो गया ना 100, सैकड़ा मतलब 100 मतलब 100, तो 100 हो गया 5 × 100, तो मतलब हो गया 500, यहाँ मतलब क्या बैठ रहा है 8 × 100 मतलब 800, तो इसका मतलब ये तो छोटी है, ये उससे बड़ी बैठ रही है 800, ये 900 और बड़ी बैठ रही है, इसलिए हमने ये आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में इनको लगाया है। अब हमसे पूछ रहा है इसका अवरोही क्रम, मैंने बताया था अवरोही क्रम कहते हैं घटता हुआ क्रम, जब किसी भी संख्या को बिल्कुल परेशान ना हो, किसी भी संख्या को आरोही क्रम में लिख दिया तुमने भाई, एक तो कभी पता चले कि तुमने आरोही क्रम ही गलत लिख दिया है, तो पहले तो सेलेक्ट करके ही लिखें, समझ रहे हैं ना, ये क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ, अगर क्रॉस वेरीफाई करना हो क्वेश्चन को, पहले तो क्या पता कभी तुमने आरोही क्रम बच्चा गलत लिख दिया तो अवरोही क्रम तो वैसे ही गलत हो जाएगा, तो इसलिए पहले तो यहीं से सेलेक्ट करके लिखें, फिर उसके बाद मैं बता दूंगा कि किस तरीके से आपको क्रॉस वेरीफाई क्वेश्चन को करेंगे। देखें अवरोही क्रम मतलब पहले सबसे बड़ी वाली संख्या, हमें तो पता ही है सबसे बड़ी संख्या हमारी ये है ही है 8 9 7 6, इसके बाद इससे छोटी संख्या, इससे छोटी संख्या कौन सी बैठ रही है हमारी, ये बैठ रही है 7 9 8 5, फिर इसके बाद उससे छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या कौन सी बैठ रही है 7 8 5 9, उसके बाद 7 5 8 7, ठीक है। अब एक चीज़ आपने देखी होगी, मैंने पिछली अपनी क्लास में भी बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था, जब हमने आरोही क्रम लिख देते हैं उसके बाद उसी आरोही क्रम को उल्टा कर दीजिए, समझ रहे हैं ना, उसको ही उल्टा करके लिख दो, अवरोही क्रम हो जाएगा, जैसे ये सबसे लास्ट में था इसको उठा के सबसे पहले रख दिया, इसके बाद जो उससे पहले था उसको भी उठा के उसके बाद रख दिया, फिर इसको यहाँ रखा, समझ रहे हैं, जो सबसे लास्ट में था वो सबसे पहले आ जाएगा, यही इसका फंडा है, क्यों, क्योंकि अवरोही क्रम में क्या होगा, जो सबसे पीछे बच्चा खड़ा होगा
घटते हुए क्रम में वो भी सबसे, मतलब ये समझिए पहले तो जब हमने प्रार्थना के लिए लाइन लगाई तो पहले तो मैं यहाँ पर खड़ा था, तो क्या था कि सबसे छोटा बच्चा सबसे आगे होगा, तो लाइन लग गई इसी तरीके से, तो हो गया ये आरोही क्रम। अब क्या करूँ, बच्चे तो ऐसे ही खड़े हैं, मैं जाके बिल्कुल पीछे खड़ा हो जाऊँ बच्चों के। अब मैं यूं करके आ गया, बच्चे तो यूं लाइन में खड़े हैं, मैं इस तरीके से खड़ा हूँ, तो मेरे सामने कौन सा बच्चा होगा, जो सबसे बड़ा होगा, फिर वो उस लाइन से खड़े हुए हैं, तो वो कौन सा हो गया मेरे लिए, अवरोही क्रम हो गया। मतलब घटता हुआ क्रम, पहले सबसे बड़ा बच्चा खड़ा है, फिर उससे छोटा खड़ा है, फिर उससे छोटा खड़ा है, फिर उससे छोटा खड़ा, फिर सबसे छोटा खड़ा है, ये हो गया अवरोही क्रम। या फिर आरोही क्रम में जो हमने संख्याएं लिखी हैं उसको ही उल्टा करके लिख दो, जो सबसे लास्ट में संख्या लिखी थी उसको उठाओ और सबसे पहले लिख दो, उसके पहली वाली संख्या को उसके बाद लिख दो, इसी तरीके से लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा? अगर नहीं आएगा तो अभी जो टॉपिक कराए हैं इस क्लास के बाद क्वेश्चन दिए जाएंगे, उस पर भी डिस्कस हम कर लेंगे इसके बाद। देखें, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चल रहे हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज, रोमन संख्या प्रणाली। मतलब किसी भी संख्या को जैसे रोमन संख्या में किस तरीके से हम लिखते हैं, बता रहा हूँ। जैसे कि हम देखते आ रहे हैं, इसको इस तरीके से कराऊंगा, कितनी भी बड़ी संख्या होगी, कितनी भी बड़ी संख्या ले लें आप, कोई भी रटने की जरूरत ही नहीं है, इस तरीके से कराया जाएगा कि रटने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हम देखते हैं ना कि बच्चे, मैंने काफ़ी टाइम देखा है कि हर किस तरीके से रोमन संख्या में लिख रहे हैं उसको रट लेते हैं कि सर इसको तो हम ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, और अगर मैं बड़ी संख्या दे दूं तो उसमें फिर कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि सर इसको तो आप कैसे लिखें। अगर हमें उसके बेसिक रूल पता है, अगर हमें कमांड है बेसिक के उस पर कि इस तरीके को हम किस तरीके से करेंगे, या इस ये संख्या आ गई तो इसको डिवाइड, मतलब इसको टुकड़ों में बांट बांट के किस तरीके से लिखेंगे, तो कितनी भी बड़ी संख्या हो हमें कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसलिए मैं बिल्कुल इसी चीज़ पर ध्यान दे रहा हूँ, बिल्कुल आपको बेसिक से कराऊंगा, जिससे कि कितनी भी बड़ी संख्या आए इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पहले तो हम समझें, जब हम क्लास में रहते हैं तो हम क्या कराते हैं, जैसे देखिए ये रोमन प्रणाली में हम कैसे लिखते हैं, और ये जैसे हमारा उसमें अंतर्राष्ट्रीय जैसे नंबर सिस्टम है 1, 2, 3, 4, इसको कन्वर्ट करके रोमन में कैसे लिखते हैं, जैसे हमें पता है 1 को हम इस तरीके से लिखते हैं बेटा, 2 को इस तरीके से, 3, 4, 5, 6, 7, 8, समझ रहे हैं? आप सोच रहे होंगे सर तो कह रहे थे कि हम किसी अलग तरीके से कराएंगे, फिर ये क्यों, ये इसलिए कराए हैं कि आपको पहले पता चल जाए कि हाँ ये सर हमने ये चीज़ें तो कर रखी हैं, ये तो मुझे आते हैं, 50 तक आते हैं, 100 तक आते हैं, 500 तक आते हैं। अरे भाई 500 तक आते हैं, मैं कहता हूँ 5000 तक आते हैं क्या, हैं? मैं कहता हूँ 5936 को लिखो, कोई बच्चा तो होगा जिसको बेसिक पता होगा कि हाँ सर मुझे आता है, बाकी कहेंगे सर इतनी तो याद कर ही नहीं है, क्योंकि बच्चे इनको क्या करते हैं 50 तक 100 तक याद कर लेते हैं कि इसको हम ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। मैं केवल एक अभी आपका एक परिचय करा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ कि ये संख्याएं आपको पता है और इस तरीके से आप इनको लिखते हैं, कि 1 को हम इस तरीके से लिखते हैं, 2 को 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है।
इसके बाद क्या है बेटा, इसके कुछ रूल्स हैं, मतलब क्या है कि इसके कुछ नियम हैं जिन पर हम किसी भी संख्या को रोमन प्रणाली में लिखते हैं, रोमन अंक में लिखते हैं, रोमन तरीके से लिखते हैं, रोमन संख्या प्रणाली में किसी भी अंक को बदलकर, संख्या को बदलकर। देखें क्या है, सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें इसमें, कुछ पॉइंट हैं जो याद ही रखने पड़ेंगे। जैसे क्या है, एक टेबल बना लें, मेरे साथ बनाते चले बेटा। जैसे हम जानते हैं वन को हम लिखते हैं ये, ठीक है, फाइव को लिखते हैं इस तरीके से, हमने देखा ही है यहाँ पर, देख लो वन को हमें पता ही है। इसके बाद दस को हम लिखते हैं इस तरीके से, इसके बाद हम पचास को लिखते हैं हम एल, सौ को लिखते हैं हम सी, पाँच सौ को लिखते हैं हम डी, और 1000 को लिखते हैं हम एम। ठीक है, इनको बेटा, इनको दिमाग में बिल्कुल फिट कर लें एक तरीके से, कि हर जब भी हम कोई भी संख्या को रोमन उसमें लिखेंगे तो हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए इन्हें तो बिल्कुल अपने दिमाग में एकदम ऐसे याद कर लें कि सर केवल कुछ नहीं करा, इतनी तो संख्या याद करनी ही नहीं है, बस एक चीज है कि ये भी हमें पता है भाई, इसको तो हम बेसिक हैं, इसको भी पता है, ये पता है, बस ये देख लें, 50 को L कहेंगे, 100 को C कहेंगे, 500 को D कहेंगे और 1000 को M कहेंगे। थोड़ा सा ट्रिक बना लें अपने हिसाब से ही, जैसे LCDM याद करने के लिए, LCDM जैसे LCDM लिख दिया, LCDM भाई DM पता ही है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब जिला अधिकारी, इससे हमने बना ली अपनी ट्रिक बना ली, LCDM कर दिया हमने, मतलब 50, 100, 500, 1000, जिससे कि ये छोटी छोटी इसलिए बनाते हैं जिससे कि हमें याद रह जाए चीज़ें। ठीक है बच्चा, इसमें कोई परेशानी, सबसे पहले हमने क्या करा, आपको एक परिचय कराया कि जब हम कोई भी हमारी संख्या थी उसको हम रोमन प्रणाली में किस तरीके से लिखते थे। क्लास में भी सर ने कराते हैं, जैसे हमें 1 से 20 तक लिख दो, 1 से 30 तक लिख दो, तो हम पूछ लेते हैं 25 को कैसे लिखते हैं, 30 को कैसे लिखते हैं। उसके बाद हम उससे थोड़ा आगे चले, हमने बताया कि 1 को हम इस तरीके से लिखते हैं, 5 को इस तरीके से लिखते हैं, 10 को इस तरीके से लिखते हैं, 50 को ये, 100 सी, 500 डी और 1000 एम। अब बात करते हैं इससे आगे की, अब बात करते हैं इससे आगे, रूल नंबर वन इसमें क्या कहता है बेटा, इनको उतारते भी चलें, समझ रहे ना, अपने नोट्स भी बनाते चलें जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, और ये लिखते चलें क्या कहता है रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। ठीक है, देखें रूल नंबर वन क्या कहता है, वन देखिए, जिस पे मैंने टिक मारा है इसका मतलब, रूल नंबर वन कहता है 10 CM, इसको भाई ये जो हमने लिखे हैं 1, 10, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, ये तो 1 है, इसका मतलब ये 10 है, ये क्या है 100 है, और M 1000 है, इसको ज्यादा से ज्यादा तीन बार, समझ रहे हैं ना, ज्यादा से ज्यादा तीन बार रिपीट कर सकते हैं किसी भी उसमें, या रिपीट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। आया मेरी समझ में, क्या आपकी समझ में, सॉरी बेटा, आया आपकी समझ में,
ये जो हमारे चारों हैं इनको हम ज्यादा से ज्यादा 3 ही बार लिख सकते हैं। अभी एग्जांपल लेके दिखाऊंगा आपको। इसके बाद देखिए ये और क्या क्या बचे, एल और डी, इनको क्या कर सकते हैं हम केवल एक बार, केवल एक बार लिख सकते हैं, इसको रिपीट नहीं कर सकते हम। अब एग्जांपल देखें, एग्जांपल देखें, दोनों का ही यही क्लियर कर दूंगा अभी आपको। एग्जांपल देखें, हर एक उसका अलग अलग एग्जांपल देके समझाऊंगा। जैसे देखें वन, वन को हम क्या लिखते हैं, लिखते हैं आगे देखें टू, थ्री, अब बात आती है तब फोर की, तो फोर में हम क्या करते हैं, हो गया चेंज, मतलब इसको हमने मैक्सिमम 3 बार लिखा, समझ रहे हैं, 3 बार लिखा, फोर पर आकर ये चेंज हो गया। देख लें इसको हम मैक्सिमम 3 ही बार लिख सकते हैं, जैसे 1+1+1 मतलब 3 ही बार। अगर मैं यहां 4 की बात कर दूं, 4 हो गया तो ये चेंज हो जाएगा, भाई एक डंडा और लगा सकता हूं क्या मैं, नहीं लगा सकता ना, गलत हो जाएगा। तो इसको कितनी बार लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 बार, बिल्कुल बेसिक चल रहा है बेटा ये इसका। देखें इसके बाद इसको ट्राई करके देखते हैं भाई, हम तो सबको ट्राई करके देखेंगे, हम एक के उससे ही माने। देखें क्या कहते हैं हम, 10 कहते हैं, 10 को क्रॉस का निशान बनाते हैं इस तरीके। अब बात करें अगर 20 की तो क्या करेंगे, डबल लगाते हैं, लगाते हैं ना। बात करें 30 की तो क्या करेंगे, लगाते हैं, करते हैं। अगर बात करें अब हम 40 की तो 40 पे क्या कभी ये सुना है कि इस तरीके से लिख देंगे, सुना है कभी, नहीं लिखते ना। तो हम 40 को क्या लिखते हैं, बताऊंगा बाद में कि 40 को ऐसा क्यों लिखते हैं, पहले मैं बता देता हूं भाई। पचास अगर बड़ी संख्या पहले है और बाद में है x, तो इसको लिखेंगे एक्स एन। क्यों लिखते हैं या क्या किस तरीके से मैंने लॉजिक है उसको मैं बताऊंगा, लेकिन आपको ये देख ले 40 को लिख दिया हमने एक्स एन, ठीक है। इसके बाद देखें इसका मतलब 30 तक तो हमने ये लिख लिया, रिपीट हो गया 3 बार, हुआ ना, हुआ 3 बार रिपीट हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, 40 पे आते ही ये चेंज हो गया, हुआ नहीं हुआ। तो इसी को हम कह रहे हैं, इसको 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 हम मैक्सिमम 3 ही बार रिपीट करके लिख सकते हैं। इसके बाद जब हम चौथी बार में आएंगे वो चेंज ही हो जाएगा। अब दूसरे उसको देखें, हमने क्या कहा है कि इनको कितनी बार लिख सकते हैं, एक ही बार लिख सकते हैं। कैसे, अगर बात आएगी 5 की तभी तो लिखूंगा यूं, समझ रहे हैं भाई, 5 की बात आएगी तभी तो लिखूंगा। अभी ये थोड़ी है 6 पे आएगी तो मैं यूं बना दूं इसको, नहीं बना सकता। 7 आएगा तो फिर ये एक और बना दूं यूं करके, या एक डंडा और यूं करके खींच दूं, नहीं कर सकता। तो इसको केवल एक ही बार लिख सकते हैं। L को 50 पे आएगी तो L को इसको एक ही बार लिख सकते हैं। तो ये ही है हमारा रूल नंबर 1, कि रूल नंबर 1 ये कह रहा है कि 1, 10, 100, 1000 इसको हम मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल में तुम्हें बता चुका हूं, 1 पर देखिए लिखा, सेकेंड पर मैंने एक डंडा और खींच लिया, थर्ड पर देखो एक डंडा और खींच लिया, रिपीट कर लिया हमने 3 बार, मैक्सिमम हो गया ये 3 बार। अब 4 पर देखें तो 4 पे हमने ये चेंज कर दिया, हमने डंडा नहीं खींचा, तो मैक्सिमम कितनी बार रिपीट कर रहे हैं हम, केवल 3 ही बार। फिर मैंने अगले उसमें बताया केस में, इसको देख लें, 10 को हम एक्स लिखते हैं, 20 को लिखते हैं डबल एक्स, 30 को लिखते हैं एक्स 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 ट्रिपल एक्स, इसके बाद 40 को जब हम लिखते हैं तो अब हम
एक एक्स थोड़ी बढ़ा देंगे कि चार बार एक्स लिख दूं, गलत हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये भी थ्री टाइम। इसी तरीके से आप सी को देखेंगे या एम को देखेंगे, ये भी बेटा मैक्सिमम थ्री टाइम ही हम रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद 550 और 500, इसको केवल हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, इसको रिपीट नहीं कर सकते। ये था हमारा रूल नंबर वन। रूल नंबर टू क्या कहता है? रूल नंबर टू कहता है अगर बड़ी संख्या पहले लिखी है, समझ रहे, बड़ी संख्या पहले लिखी है, आप पहले इस सब को बेटा उतार लें, उतार लें, ये इस तरीके से करा रहा हूं रूल बताकर आपको कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या जब लिखने को आएगी तो आपको बिल्कुल भी इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए कह रहा हूँ। और ये अभी आप सीख लेंगे इस इसको तो आगे तक क्लास 6, 7, 8, 9, 10 अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड रोमन संख्या प्रणाली से तो आप गलत कर ही नहीं सकते। इसलिए रूल आपको अभी मैं सारे बता ही रहा हूँ। रूल टू क्या कहता है? रूल नंबर टू उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप देख लीजिए एक बार इसको बेटा, उतार लीजिएगा, मैंने यहां बता देता हूं आपको। रूल नंबर टू, रूल नंबर टू कहता है कि बड़ी संख्या अगर पहले लिखी है और छोटी संख्या बाद में लिखी है तो हम उसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। मतलब देखें, एग्जांपल देख रहा हूं, एग्जांपल देखिए, मैंने ये लिखा, हम इसको क्या कहते हैं, x को 10, इसको क्या कहते हैं, 5 कहते हैं ना। हम ये नहीं पता कि हम इसको अगर यूं कहने लगे कि इसको तो हम 15 कहते हैं, 15 कहते हैं, भाई मैं हम तो अगर इसमें याद कर रखा है किसी बच्चे ने तो वो तो बता देगा सर इसको तो 15 कहते हैं, हम तो सीधे सीधे, अरे भाई कहते तो हैं, ये मैं समझ रहा हूँ कि आपको याद है तो इसलिए आपने बता दी कि इसको तो सर 15 कहेंगे, लेकिन कहेंगे क्यों, ये बना किस तरीके से, हम उसके बेसिक रूल को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना बेटा। मैं इसलिए इसको करा रहा हूं कि ये हमने याद कर लिया है कि ये बन गया है सर, ये तो पता है सर हमको 15 इसको कहते हैं, लेकिन ये बना किस तरीके से है, इसके पीछे क्या लॉजिक लगा है, क्या रूल लगा है, हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। इसको कहते हैं हम 10, इसको कहते हैं हम 5। मैंने क्या बताया, अगर बड़ी संख्या पहले लिखी है, छोटी संख्या बाद में लिखी है तो क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। आया समझ में? ठीक है, आ रहा है समझ में? इसके बाद अगला और देख लो कोई भी, अगर बड़ी संख्या पहले लिखी है, ये लीजिए कोई बात नहीं, क्या कहते हैं इसको 10, इसको क्या कहते हैं 7, देखें, आया समझ में? इसके बाद और देखें, कुछ और चीज करा लेते हैं, इसके आगे अगर हम चलें तो LX, L को हम क्या कहेंगे भाई, यहां पर देखें, हमने XL लिखा था तो 40 आया था, क्यों, क्योंकि छोटी संख्या यहां लिखी है, बड़ी संख्या यहां लिखी है तो घटा रहे हैं हम। अब यहां आके देखिए, अब इस चीज का आपको जो क्लियर होगा, अब देखिए समझ में आ रहा है ना, क्लियर हुआ कुछ? 40 इसलिए लिखा, अगर मैं यहां 60 की बात करता तो 60 को लिखते हैं हम एल एक्स, लिखते हैं एल को लिखते हैं 50, एक्स को लिखते हैं हम 10, लिखते हैं, इसका मतलब बड़ी संख्या पहले लिखी है, छोटी संख्या बाद में लिखी है, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 50 प्लस 10 60, आ रहा है बेटा समझ में, आ रहा है ना। अब हमने तो लिख दिया था एल एक्स, हमें नहीं पता था कि इसको क्या कहते हैं या कौन सी, इसको रोमन अंक में किस तरीके से, या इसको मतलब हमने रोमन में तो लिख दिया, अब इसको अंकों में या संख्या में कैसे लिखते हैं हमें नहीं पता था,
लेकिन हमने तो अपने जो हमारा बेसिक है, जो रूल है, हम उससे चले। हमें पता है कि इसको तो हम 50 कहते हैं, इसको तो हम 10 कहते हैं। हमने देख लिया जो संख्या बड़ी अगर पहले लिखी है, छोटी संख्या बाद में लिखी है, हमको तो जोड़ना है। हमने जोड़ दिया तो हमें पता चल गई कि इसको हमने क्या कहा, इसको तो जी हम 60 कहते हैं। पता चल गया। इसके बाद और देखें, अब उसी चीज को मैं यहाँ बता रहा था। अब यहाँ बात चल रही थी 40, जैसे 40 यदि इसको 40 कहा है, भाई कैसे कहा है, हमने तो देख दिया जैसे XL, हमें नहीं पता इसको क्या कहते हैं। हम तो अपना रूल लगाएंगे। रूल नंबर 3 का बता, उसको डिस्कस कर रहा हूँ मैं। रूल नंबर 3 क्या कहेगा कि अगर छोटी संख्या पहले लिख रही है, बड़ी संख्या बाद लिख रही है, तो घटा देंगे हम। हमें तो ये पता है कि हमने तो यही चीज़ याद कर रखी है, इसके बाद हमें नहीं पता। तो हमने अपना जो रूल है, हम रूल फॉलो कर रहे हैं। छोटी संख्या पहले लिखी, हमें इसे पता है 10 कहते हैं, इसको पता है हम 50 कहते हैं। छोटी संख्या पहले है, बड़ी संख्या बाद में, हम तो घटाएंगे। 50 - 10 क्या आया, 40। अब आया समझ में। तो यही ये चीज़ों के जो रूल्स हैं, अगर आप बेसिक को पकड़ लेंगे कि इस चीज़ के पीछे क्या रूल लग रहे हैं, क्या इसका बेसिक है, तो कोई भी संख्या हो उसको अंकों में बदलवा ले या संख्या में बदलवा ले या रोमन संख्या प्रणाली में बदलवा ले, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। रूल 2 मैंने अभी एक ओवरव्यू बताया है, रूल 2 और रूल 3 कंप्लीट डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। और जो मैंने आरोही क्रम अवरोही क्रम कराए थे या फिर मैंने पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्या कराई थी, उस पर उससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है बेटा, टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाएं सभी, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पर जाइए, सर्च करिए MBA Academy और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। आपको टेलीग्राम पर मेरे ये जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी, पहले उनमें उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम रूल 2, रूल 3, रूल 4 को पढ़ेंगे, उसके बाद आपको कोई भी इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो वीडियो को देखें और इसको एक बार रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। थैंक यू।